नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विकी और मेरे YouTube चैनल में आपका फिर एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे मिल्टन के थर्मोस्टील वाटर जग का, जो कि 6 लीटर का है, और साथ में इसके हम लोग रिव्यू भी करेंगे, क्योंकि ये प्रोडक्ट लेके मेरा ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया है और 1 महीने के बाद मैं आपको इसका फीडबैक मैं आराम से दे सकता हूँ। तो सबसे पहले इसको बाय करने का रीज़न क्या है, तो पहले तो मेरे पास ये जो प्लास्टिक का वाटर जग है वो था, ये मेरे अंकल लाए थे बहुत सालों पहले, लेकिन कभी यूज़ नहीं किया, लेकिन अभी लॉकडाउन में ये यूज़ हो रहा है। तो मैं जब भी मैं मेरे गांव में आया तो मैंने देखा कि लोग यहाँ पर एक प्लास्टिक का वाटर जग यूज़ कर रहे हैं, तो मेरे दिमाग में एक ही चीज़ थी, क्योंकि मेरा थोड़ा साइंस का बैकग्राउंड है, कोई भी प्लास्टिक की चीज़ दोस्तों आपको गर्म पानी के साथ यूज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक के अंदर बिस्फिनॉल ए होता है, जिसको हम लोग BPA बोलते हैं, वो कैंसर कॉज करता है लोगों में, और जब भी आप गर्म पानी से इसको पीते हो पानी को, तो वो प्लास्टिक जो है उसके अंदर पानी के अंदर BPA रिलीज़ करता है, और वो आपके बॉडी में जाके एंडोक्राइन डिसरप्टर इसको बोलते हैं। आप चाहिए तो गूगल करके, मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ, आप उसको गूगल करके पढ़ सकते हो आगे। इसीलिए जो बच्चे के बॉटल्स होते हैं दोस्तों, आपने देखा होगा कि बॉटल्स के ऊपर लिखा होता है BPA फ्री, तो पूरे यूरोप में और अमेरिका में पूरी तरह से बैन है BPA, और इसको बहुत ही कंट्रोल्ड कंडीशन में हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे इंडिया में सब कुछ चलता है, आपको पता है, लेकिन ये आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए डेंजरस हो सकता है। तो मेरा ये रियलाइजेशन हुआ, इसीलिए मुझे एक ऐसे प्रोडक्ट की ज़रूरत थी जो कि BPA फ्री हो और जो मेरा पानी को ज़्यादा देर तक गर्म रख सके। तो पानी को ज़्यादा गर्म रखने के लिए दो कंडीशंस होती है, सबसे पहले तो उसका इंसुलेशन मटेरियल होता है, और हम लोगों को देखना होता है कि उसमें वैक्यूम है या नहीं। दोस्तों, जितने भी वाटर जग्स होते हैं उसके अंदर वैक्यूम लगाना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, क्योंकि वेयर एंड टेयर में ये वैक्यूम निकल जा सकता है, लेकिन जितने भी बॉटल्स होती है उसके अंदर आप देख सकते हो कि वैक्यूम है। तो वाटर जग्स में हम लोगों को चेक करना है कि इसमें कौन सा इंसुलेशन मटेरियल यूज़ किया है, तो इसमें PU का फोम यूज़ किया है, जो कि एकदम अच्छी क्वालिटी का है, मेरे हिसाब से ये सबसे बेस्ट है। तो ये हमारे दो क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, एक तो ये BPA फ्री है और दूसरा ये पॉलीयुरेथेन फोम एज अ इंसुलेटिंग मटेरियल यूज़ हो रहा है। इसमें अलग अलग वेरिएशन आते हैं दोस्तों, एक तो 3 लीटर्स का होता है, 5 लीटर्स का, 6 लीटर्स का, फिर 10 लीटर्स का भी होता है, तो आप अपने हिसाब से उसको ले सकते हो। जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा वैसे वैसे प्राइस भी बढ़ेगी, लेकिन जो प्राइस और वॉल्यूम का जो रेशियो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि 10 लीटर ये 6 लीटर का दोस्तों मुझे 1560 में मिला, आपको 10 लीटर तक का आराम से 1800-2000 तक मिल सकता है, वही 3 लीटर का आपको 1200 में पड़ेगा। तो जितना ज़्यादा आप मैनेज कर पाओगे, जितना ज़्यादा आपके पास स्पेस है, अगर आपका स्पेस कंस्ट्रेंट है तो आप कम वाला लीजिए, लेकिन अदरवाइज जहाँ तक हो सके ज़्यादा वॉल्यूम वाला लीजिए, ताकि इसमें आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। तो इसको हम लोग अभी हटा देते हैं फ्रेम में से, क्योंकि अभी ये सिर्फ शेविंग के लिए, या फिर मेरा बच्चा कभी पॉटी कर देता है तो उसके लिए ये गर्म पानी स्टोर करने के लिए रखा हुआ है हम लोग ने, क्योंकि अर्जेंसी में गर्म पानी की ज़रूरत होती है, बस यही उसका यूज़ है अभी। तो चलिए इसको हटा देते हैं और देख लेते हैं कि बॉक्स के ऊपर क्या है। तो दोस्तों, ये है इसका बॉक्स, मिल्टन थर्मोस्टील, काफ़ी चटक कलर का है, और स्टेलर 6 का मतलब कितना कैपेसिटी है, तो स्टेलर 10 होगा तो 10 लीटर, स्टेलर 6 होगा तो 6 लीटर। इस तरफ दोस्तों इसकी फीचर्स दिए हैं, ये PU इंसुलेटेड है, उसके बाद में स्टील का है, प्लास्टिक का नहीं है, जैसे मेरे रिक्वायरमेंट में पहले बैठाया था वैसे, BPA फ्री है, और स्टेनलेस स्टील में भी अलग अलग ग्रेड होते हैं, तो ये फूड ग्रेड का स्टेनलेस स्टील है। उसके बाद में डबल वॉल्ड और हॉट एंड कोल्ड, हॉट रहेगा तो हॉट को वैसे ही रखेगा और कोल्ड रहेगा तो कोल्ड को वैसे ही रखेगा, और 1 साल की वारंटी आती है इसमें, तो वारंटी में कोई अगर डिफेक्ट होगा वर्कमैनशिप में या फिर मटेरियल में तो उसमें ये कवर हो जाएगा। तो एक्चुअल कैपेसिटी दोस्तों इसका 5.7 लीटर है, और डायमीटर उसकी डायमेंशंस पूरे दिए हुए हैं, प्राइस यहाँ पे 1560 लिखा हुआ है, मुझे यही प्राइस में मिला एक्चुअली। और क्वालिटी का दोस्तों मिल्टन का तो क्या कहना, मेरे पास ऑलरेडी 2 बॉटल्स है, वैक्यूम बॉटल्स, जो कि एक लीटर की है और 500 ml की है। 1 लीटर वाले पे मैंने एक एक्सट्रीम टेस्टिंग की थी, तो उसका वीडियो आप यहाँ पर आई बटन में देख सकते हो। बेसिकली मैंने उसमें बहुत गर्म पानी डाला था और उसको फ्रीज़र के अंदर डाल दिया था और फिर देखा था कि क्या होता है, तो वीडियो आप यहाँ पर देख सकते हो, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है वो। दोस्तों चलिए देख लेते हैं कि प्रोडक्ट कैसा है। ऊपर यहाँ पर ये खुलता है, ये ऐसे, इसके अंदर यहाँ पर 2 छोटे से जग दिए हुए हैं, ये एक्चुअली मेरे कुछ काम का नहीं है, इसीलिए मैं इसको साइड में हमेशा रखता हूँ। प्रैक्टिकली ये आप जब ट्रैवलिंग करोगे तब आपके यूज़ का है, अगर घर पे आप यूज़ कर रहे हो तो प्रैक्टिकली इसका इतना यूज़ नहीं होगा, तो फिर इसको हम लोग ऐसे रख देते हैं। ये पुश ऐसे फिनोमेना है, इसका खुलना होगा तो आपको ऐसे ऊपर करके खुलना होगा, ठीक है, और उसके बाद में को साइड में रखते हैं। ये यहाँ पर ये इंसुलेशन है, ये
प्लास्टिक का बना हुआ है ये। तो इधर अंदर आप देख सकते हो ये स्टेनलेस स्टील है, फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील। बाहर भी दोस्तों स्टेनलेस स्टील की ही बॉडी है ये वाली, तो इनसाइड और आउटसाइड दोनों साइड पे स्टेनलेस स्टील, और ये यहाँ पर प्लास्टिक का कवरिंग है। इसको यहाँ पे रख देते हैं, बस ये सिंपल सी चीज़ है, आपको इसको बंद करना है और ये हो गया। यहाँ पर दोस्तों ऊपर है हैंडल, और हैंडल की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। आप इससे कंपेयर करोगे तो आप देखिए आवाज़ इसका और इसका आवाज़ देखिए, ठीक है। उसके बाद में है ये लेग्स, लेग्स को आप कहीं पर भी फोल्ड कर सकते हो, आप जो आपका नीचे का जगह है इससे ऊपर रख सकते हो, तो काफ़ी स्पेस है यहाँ पर, आप देख सकते हो चार उंगलियाँ बैटरी है अंदर। उसको फोल्ड करने के लिए बस आपको ये इस तरह से पुश करना है, तो ये फोल्ड हो गया और ये आपका स्पेस बचा लेगा, तो ठीक है। ये दोस्तों अभी ये टैप का फीचर्स देख लेते हैं। ये एक पुल वाला और स्टडी टैप है, तो इसमें दो फंक्शन है बेसिकली। आप इसको ऐसे करके थोड़ा सा पानी ले सकते हो, या फिर अगर आपको लॉक करना है तो इसको बस ऐसे खींच के ऐसे लॉक कर दीजिए, तो ये ऑटोमेटिकली पानी छोड़ता रहेगा। फिर अभी इसको बंद कर देता हूँ, ना होने के बाद में बस आप इसको रिलीज़ कर दीजिए। दोस्तों अंदर की तरफ ये यहाँ पर टैप लगा हुआ है, और इसकी क्वालिटी भी ना दोस्तों काफ़ी अच्छी है। तो मैंने इसको ओपन करके देखा था, और जब आप पानी छोड़ोगे तो ये ऐसे मैकेनिज़्म होता है, ये देखिए, ठीक है। तो अंदर स्प्रिंग की बॉडी है। अगर ये आपका टूट गया तो आप इसी साइज़ का कोई सादा वाला नल भी लगा सकते हो। तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अभी इसका रिव्यू कर लेते हैं। दोस्तों इसका एक ही फंक्शन है, वो है पानी को गर्म या ठंडा रखना। तो गर्म पानी के लिए हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, तो मैं गर्म पानी का आपको रिव्यू दूंगा। दोस्तों गर्म पानी जो पीने के लायक होता है वो 50 to 52 डिग्री सेल्सियस तक ही आप पी सकते हो, उसके ऊपर आप नहीं पी सकते हो। तो हम लोग जनरली उतना ही टेम्परेचर का पानी इसमें डालते हैं, और करीब करीब 3 से 4 घंटे में, क्योंकि हम लोग ज़्यादा है तो ये ख़त्म हो जाता है, और तब तक पानी जो है वो ठीक ठाक गर्म होता है। मतलब मैक्सिमम जो 3-4 घंटे में जो टेम्परेचर का लॉस होता है, वो मैंने एक बार करके देखा था, तो वो 5 डिग्री का होता है मैक्सिमम। फिर भी वो पीने के लायक ही है पानी, तो 48-47 डिग्री तक ये कम होता है। अगर हम लोगों ने इसको रात को भर के रखा तो 7-8 घंटे के बाद में ये पानी मतलब एकदम माइल्ड गर्म रहता है। मतलब वो टाइम के लिए, इतना टाइम के लिए ये सूटेबल नहीं है, क्योंकि इसमें एक्चुअली वैक्यूम नहीं है, इसमें सिर्फ पीयू का इंसुलेशन है जैसे मैंने पहले बताया। तो वैक्यूम नहीं होने की वजह से ये ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप इससे कंपैरिजन करोगे, ये तो दोस्तों एक घंटे में ही, 1-1.5 घंटे में इसका पानी का पूरा टेम्परेचर है वो 10 से 15 डिग्री का मतलब कम हो जाता है, तो बिल्कुल ही यूज़लेस प्रोडक्ट है। उसके मुकाबले दोस्तों ये काफ़ी टाइम तक गर्म रहता है, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इसके साथ है। इसीलिए दोस्तों रिकमेंडेड है कि अगर 4 से 5 घंटे भी इसने आपका रख दिया अच्छे से गर्म, तो भी इसके पूरे पैसे वसूल होते हैं। तो फुल मार्क्स इसको मैं दूंगा, क्योंकि लॉकडाउन पे हम लोगों को गर्म पानी पीना है, कोरोना वायरस से बचना है, तो इसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ मुझे पानी गर्म करने के लिए ये वाली लगी। दोस्तों एक नोटिसेबल प्रॉब्लम मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें, लेकिन ये मेरे ख्याल से प्रोडक्ट का फॉल्ट नहीं है इसमें, इसमें दोस्तों नेचुरल फिनोमेना का फॉल्ट है, तो उसको ओवरकम करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। तो क्या होता है दोस्तों, जब कभी भी आप गर्म पानी डालते हो ना, तो क्योंकि ये पूरी तरह से फिट रहता है, देखिए अभी मैं उठा रहा हूँ ना, तो ये चिपक जा रहा है पूरा ऐसे, ठीक है। तो अभी यहाँ पर पानी लग के ना पूरा ये सील हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो जब भी पानी गर्म होता है ना, तो इसके अंदर से भाप वगैरह निकलती है ना, तो भाप की वजह से ये है ना, इसको ऐसे चिपक जाता है ये इसको, ठीक है। और ये चिपकने की वजह से ये जो नल है, ये नल में से पानी निकलना एकदम कम हो जाता है, और थोड़ी देर के बाद रुक जाता है। तो ये एक नेचुरल फिनोमिना है, जो स्टीम की वजह से प्रेशर बिल्ट हो रहा है वो इस प्लेट को सक कर रहा है। इसकी एक सिंपल ट्रिक मैंने निकाली थी, ये जो सरफेस है, एरिया है, ये ज़्यादा है, देखिए यहाँ पर इसको क्या करना है, बस आपको उल्टा रखना है, तो कुछ हद तक आपका ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इसमें फिर थोड़ी सी जगह रहती है, देखिए चिपकने के लिए इतना है नहीं कुछ यहाँ पर, लेकिन फिर भी ये चिपकता है, लेकिन बहुत हद तक ये प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो गई है। तो बस इसको ऐसे कर दीजिए और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो ये था मेरा रिव्यू दोस्तों, 1 महीने के बाद में मैं इसको रिव्यू कर रहा हूँ, ये कोई स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट नहीं है, इसीलिए ये परचेज का मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों ये प्रोडक्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पहले कमेंट में इसको मेंशन कर दूंगा, इस जैसे प्रोडक्ट का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पहले कमेंट में दे दूंगा, आप उसको चेक कर सकते हो। इसके अलग अलग मॉडल्स भी आते हैं, उन अलग अलग मॉडल्स के वॉल्यूम के हिसाब से मैं लिंक दे दूंगा, मतलब 3 लीटर्स का, 5 लीटर्स का, 10 लीटर्स का, ऐसे लिंक दे दूंगा, आप वो भी चेकआउट कर सकते हो आपके हिसाब से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल, और बेल आइकन को भी दबाना ताकि इंस्टेंट अपडेट्स आपके फीड में लगातार आ सके। धन्यवाद, और आपका टाइम शुभ हो।